अभी खरगे जी ने तिरुचि सेवा दोनों ने आपको बता दिया, हमारे साथियों ने कल भी बताया था, घटनाक्रम आपको मालूम है, उसको दोहराना आवश्यक नहीं है। और जो आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के हालत, जिस तरह से बैरिकेड लगे हुए हैं, उसी तरह से भारत के प्रजातंत्र को सरकार बैरिकेड कर रही है। प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और जो सरकार का कथन है वो विपक्ष को बदनाम करने का है कि ये चित्र दिखाया जाए देश की जनता को कि गलती विपक्षी सदस्यों की है और सरकार सदन चलाना चाहती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये पहले भारत की संसद के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ कि पिछले सत्र की कोई बात हुई हो या कोई आरोप इस तरह का हो, अगले सत्र के अंदर उसको सजा दी जाए, और वो भी वो लोग जो कि नामजद ना किए गए हों, जैसा बताया गया। और भूतपूर्व तो है, पर ये संविधान का भी उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है। इज द डेमोक्रेसी विच इज बीइंग डिरेल्ड बाय द गवर्नमेंट डेलिबरेटली टू मजल द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज कीन टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज द इशूज। द सर्कमस्टांसेज विच लेड टू द unfortunate situation in the last session, the monsoon session, must never be forgotten. It was the government which forced the situation. Dosh sarkar ka hai. Sarkar ne charcha nahi hone di. Ye sarkar chahti hai unke jawab dehi tay na ki jaye. Koi aisa vishay na uthaya jaye jisko sarkar ka asli chehra samne aata ho. Agar charcha hone dete, chahe wo krishi ke kanun hain, farm bills hain, to kya nuksan hota? Ab wapis liye na inhone. हर वो चीज़ जो इन्होंने गलत की है इनको वापस करनी पड़ेगी। इसलिए तमाम विपक्ष इकट्ठा है, ये 12 सदस्यों का भी अधिकार है कि वो सदन की कार्रवाई में शामिल हों। और एक चीज़ और है जो गौर करना ज़रूरी है कि सरकार केवल अपना काम करना चाहती है, और ये चित्र रोज़ का के विपक्ष बाहर आ गया। विपक्ष का अगर आप देखें नैतिकता के आधार पर भी, हमारे 12 सदस्य बाहर बैठे हुए और सरकार, हमारी कोई सुनवाई नहीं, उन सदस्यों की भी कोई सुनवाई नहीं की गई। एंड वी आर टेलिंग द गवर्नमेंट टुडे इन फाइनलिटी, स्टॉप दिस विलिफिकेशन ऑफ द ऑपोजिशन, शेड दिस एरोगेंस एंड दिस एटीट्यूड, फाइंड अ वे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नमेंट, to run the house. If they want to see cooperation of the opposition, they must work for a consensus. But from day one, they have started on confrontation, which we condemn.